सो गाइस लेट मी टेल यू कि मैंने ये पूरा मेकअप लिपस्टिक से कैसे किया है. सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. और हाँ, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे. आई नो दैट बिकॉज यू नो वर्स्ट मेकअप इन इंडिया बाय मी. सो हाँ, मतलब आई जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आपको ये छोटे मोटे हैक्स कैसे बाद में काम आ सकते हैं. इसके लिए मैंने एक इंसिडेंट, अपना पर्सनल इंसिडेंट भी बताया है. सो या वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस फर्स्ट मेकअप. लेट्स बिगिन. सो फाउंडेशन लगा लिया है, अच्छे से ब्लेंड वगैरह कर लिया है. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू आई मेकअप साइड. सो आई मेकअप के लिए हम क्या कर सकते हैं लिपस्टिक से. सो लेट्स सी, मैं दो कलर, जैसे कि मैंने रेड पहना है, आज मुझे पूरा रेड रेड लुक चाहिए. एंड या एक चीज़ था कि बहुत लोग यू नो मुझे सजेस्ट करते हैं कि मेकअप ट्यूटोरियल्स वगैरह अपलोड करो अपने चैनल पे, तो शायद थोड़ा सा ग्रो कर जाए चैनल. तो सजेशन अच्छा है. सो या द थिंग इज कि मुझे उतने अच्छे से आता ही नहीं है मेकअप करना. अगर आता होता तो फॉर श्योर मैं लाती ट्यूटोरियल्स, बट ओके कोई बात नहीं, मैं भी सीखती हूँ यूट्यूब से देख देख के अभी कुछ टाइम लेकर. तो मैं खुद अच्छे से सीख लेती हूँ, देन अगर मुझे लगेगा कि हाँ अब आई एम परफेक्ट इन मेकअप तो मैं तब लाऊंगी ट्यूटोरियल्स. तब तक के लिए आप मुझे कुछ दूसरा टॉपिक वगैरह सजेस्ट करो प्लीज़. सो आई मेकअप के लिए क्या कर सकते हैं, लेट मी सी. मैं एक डार्क रेड और एक पीच रेड काइंड ऑफ थिंग को हम लोग मिक्स मैच करके देखते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओह शिट, मैंने तो कंसीलर लगाया ही नहीं. ओह गॉड, कंसीलर कैसे कोई भूल सकता है. अच्छा कोई नहीं, अब जब लगा ही लिया है तो बहुत मैसी हो जाएगा. सो लेट्स जस्ट स्किप कंसीलर. यार आई एम सो बैड इन मेकअप और स्पेशली आई मेकअप. प्लीज डोंट लाफ एट मी, मैं बस ट्राई करा है. मतलब दिस इज जस्ट अ फन वीडियो. और हाँ, मुझे ना एक इंसिडेंट भी शेयर करना था. सो मैं करती हूँ थोड़ी देर में, पहले हम ये आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं. क्या ये ठीक है, कैन यू गाइस सी, ये उतना बुरा तो नहीं लग रहा है मिरर में. इट्स लुकिंग क्वाइट डिसेंट काइंड ऑफ. सो हाँ, मुझे जो इंसिडेंट बताना था ना वो ये है कि वन ऑफ माई कज़न, उसकी शादी थी कुछ टाइम पहले मार्च में, मेरे बर्थडे के बाद ही. तो उसके बर्थडे मतलब सॉरी उसके बर्थडे पे नहीं, उसकी शादी पे हम लोग गए. सो या हम उसकी शादी पे गए थे एंड मतलब जब शादी पे जाने वाले थे ना, उससे पहले मतलब कॉलेज में बहुत सारा वर्क मेरा पेंडिंग था. तो आई थॉट कि मैं वो काम ख़त्म करके चलती हूँ. सो वो काम ख़त्म करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. देन मुझे पैकिंग वगैरह के लिए बस एक घंटे में आई गेस मैंने पैकिंग करा था. एंड जितना मैंने शॉपिंग किया, मतलब ज़्यादातर तो मैंने ड्रेस वगैरह शॉप किया था, तो मैंने वो ड्रेस फटाफट से लिया, मतलब बैग में पैक करा एंड आई जस्ट वेंट लाइक दैट. मैंने एक भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं लिया, बस जो मेरा बेसिक मेकअप पाउच था वो लिया था. उसमें ना आई शेडो था, ना ब्लश वगैरह था, कुछ भी नहीं था. मतलब नॉर्मल था, हाइलाइटर था, कॉम्पैक्ट था, फाउंडेशन भी नहीं था, लिपस्टिक्स काजल वो सब ही था. मतलब जो नॉर्मल वो उसी मतलब ट्रेवलिंग बैग में रहता है. एंड मैं फटाफट ही वो बैग लेकर के चले गए एंड लिटरली ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास कुछ भी प्रोडक्ट नहीं था. और शादी जैसे माहौल में तुम सिंपल जा सकते हो, बट यू नो उतना अच्छा नहीं लगता है. एंड यू नो इतने ग्लैम लहंगा वगैरह के साथ अगर थोड़ा सा भी मेकअप ना हो तो कैसा लगता है. सो जिस दिन शादी का डेट था, मतलब उसके पहले भी मैंने वहाँ पर भी शॉपिंग किया था, बट मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान ही नहीं था. मैंने बस वहाँ पर ज्वेलरीज वगैरह शॉप किया एंड मतलब यही सब प्रोडक्ट्स. मतलब ओके आई मेकअप इज़ डन, तो हम लोग अभी आई लाइनर और मस्कारा लगा लेते हैं. सो या मैं कहाँ थी यार, हाँ मैंने वहाँ पे ज्वेलरी परचेज करा. एंड हम वैसे मतलब जिस दिन शादी का डेट आया ना, हम लोग बहुत पहले नहीं गए थे, हार्डली हम लोग शायद 3-4 दिन पहले गए थे. सो उसी में पूरा मतलब भागम भाग दौड़ा दौड़ हो गया था. सो बहुत प्रॉब्लम हो गया था. एंड जब शादी का दिन था एंड सब लोगों ने इतना अच्छा अच्छा मेकअप करा था, मैं यहाँ पे आपको कहीं पे पिक्चर्स दिखा दूँगी मैंने क्या किया. तो उस टाइम में मैंने ये लिपस्टिक से सारा जुगाड़ कर लिया. लाइक वन ऑफ माई कज़न, एक दूसरी कज़न, उसके पास फाउंडेशन था, तो मैं तो उससे मैंने फाउंडेशन लिया घर. देन मैंने फाउंडेशन के ऊपर ही हाइलाइटर था मेरे पास, और आँख में मैंने कुछ आँखों में हाँ कुछ भी नहीं लगाया था, बस ये
टाइट लाइट पिंक काइंड ऑफ एक शेड था मेरे पास लिपस्टिक का, मैंने वो आईलिड्स पर थोड़ा सा अप्लाई किया, देन मैंने नॉर्मल आईलाइनर लगा लिया, मस्कारा लगा लिया और फॉल्स लैश लगा। फॉल्स लैश जो मेरे पास था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बहुत लाइट काइंड ऑफ था, तो वही मैंने लगा लिया। एंड और फेस पे तो कुछ लगाया ही नहीं, जस्ट नॉर्मल कॉम्पैक्ट थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा सा फाउंडेशन, दैट्स इट। एंड वैसे करके लिटरली आई अटेंडेड द वेडिंग। मतलब ऐसे जो जुगाड़ वगैरह होता है कभी कभी ना, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि हमेशा ही करो, बट हाँ मेकअप प्रोडक्ट्स तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम लेकर जाते ही अपने साथ, बट या कभी बाय चांस इन केस हम भूल जाते तो ऐसा कुछ आइडियाज़ लगा सकते हो, राइट? इट्स फन। मतलब चैलेंजेस मस्ट बी ट्रीटेड एज, नहीं, ऑब्स्टिकल्स मस्ट बी ट्रीटेड एज चैलेंजेस इन लाइफ, वो क्वाट आई फॉलो पर्सनली। और मतलब मुझे मज़ा आता है ऐसे इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन में। पहले घर अप्लाई करते हैं। मतलब लिपस्टिक मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया एंड इट्स लाइक डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं एंड बुरा भी नहीं फॉर श्योर। एंड या मतलब अच्छा लग रहा है। दो कलर्स को अगर आप मिक्स करके लिपस्टिक से आई शेडो करना चाहते हो फॉर श्योर कर सकते हो, यू शुड गो फॉर इट। मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं। पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? चिप्स पे आई गेस मैं ये पीच कलर ही थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ। ओह शिट, वाई, मतलब मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है मस्कारा जब भी लगाते हैं। तो या एज अ ब्लश मैंने, ओ माय गॉड, कैन यू गाइस सी दिस? बट हम इसको टिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। सो हाँ ये तो लगा लिया, बट यू नो थोड़ा सा अजीब लग रहा है फेस का शेप। सो उसको शेप देने के लिए कॉन्ट्रोलिंग करते हैं, बट हमें करना है लिपस्टिक से, इट्स अ चैलेंज, राइट? सो आई थिंक आई विल ट्राई दिस शेड लिपस्टिक का, मतलब ये थोड़ा मरून काइंड ऑफ है। सो या मैंने अपना इसको क्लीन कर लिया है एज यू गाइज कैन सी। एंड नेक्स्ट आप चलो लिपस्टिक लगाते हैं। लिपस्टिक के लिए आई गेस मैं एक नॉर्मल सा रेड कलर शेड लेती हूँ। ओह शिट, हम एक चीज़ कैसे भूल सकते हैं, हाइलाइटर। ग्लॉसी काइंड ऑफ था लिपस्टिक, तो हम इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ करते हैं। चलो तो यार लिपस्टिक भी लगा लिया है एंड ये लिपस्टिक सूट नहीं कर रहा है शायद ये ड्रेस और मेकअप वगैरह के साथ। मतलब ये वीडियो का टाइटल होना चाहिए वर्स्ट मेकअप इन इंडिया, लाइक वाई एम आई सो बैड इन मेकअप, गॉड नोज। बट या फाइनली कर लिया है। बट या आई जस्ट वांट टू गिव यू वन आइडिया कि कभी अगर, जैसे कि मैंने अपना इंसिडेंट बताया है, वैसे अगर आपके साथ कभी हो जाए तो यू कैन यूज़ दिस छोटे मोटे हैक्स एंड यू आर गुड टू गो। सो या दैट्स द वीडियो। सो अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।